हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है आर्टिकल 21 को देखते हैं। तो आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीडर इस्टेब्लिश बाई लॉ। जो कानून है उसके अनुसार ही व्यक्ति को उसके जीवन से जो है डिप्राइव किया जा सकता है, अन्यथा, और उसके लिबर्टी को अन्यथा नहीं। ठीक है, तो कानून के अनुसार ही उसके जो है जो पर्सनल लिबर्टी उसको डिप्राइव किया जाएगा और लाइफ को। ठीक है, तो यही कहता है ये आर्टिकल। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड द नॉन सिटीजन, दोनों के लिए है आर्टिकल 21। आगे देखते हैं, इन द फेमस गोपालन केस 1950 में गोपालन केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, हैज टेकन ए नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21। ठीक है, इन द फेमस गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था, यानी कि इसका बहुत सूक्ष्म डिफिनीशन बताया था। तो देखते हैं क्या बताया था। उसने हेल्ड किया दैट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अंडर प्रोटेक्शन अंडर द आर्टिकल 21 अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, यानी कि केंद्र सरकार या एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा जो है किसी काम को किया गया हो तो उसी के खिलाफ, ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, उसी के खिलाफ होगा अगर कोई कानून बनाता है, जैसे कि एंड नॉट टू फ्रॉम द आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बना के अगर किसी व्यक्ति का जो है उसके पर्सनल लिबर्टी को डाउन किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है, तो उसको नहीं माना जाएगा। मतलब कि वो कर सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, एग्जीक्यूटिव अपने आर्डर से, ठीक है। और जब अगर वो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बताया कि पार्लियामेंट के द्वारा वो कोई भी कानून बना के आर्टिकल 21 को डिप्राइव कर सकता है, उसके वैल्यूज को कम कर सकता है, लेकिन जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिंपल सा उसमें ये बताया गया, यानी कि नैरो इंटरप्रिटेशन बताया गया। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, ये नैरो इंटरप्रिटेशन था भाई, फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट कट क्यों कर सकता है। ठीक है, तो ये बात, तो दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव स्टेट डिप्राइव कर सकता है ऑफ द लाइफ ऑफ राइट ऑफ लाइफ, ओके, जो हमने बताया, एंड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन ये लॉ, एक लॉ बना दें उसके अनुसार जो है उसके डिप्राइव द राइट ऑफ लाइफ कर, मतलब राइट टू लाइफ को डिप्राइव कर सकते हैं, पर्सनल लिबर्टी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नैरो इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोसीडर इस्टेब्लिश बाई लॉ आर्टिकल 21, जो है प्रोसीडर, यानी कि आर्टिकल 21 में है, मतलब अगर 21 में अगर कोई कानून बना हो तो उसके अनुसार जो है बनाकर कम कर सकता है, तो उसी बात को बताया, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जो है वो डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था? कंटेन्स द अमेरिकन, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, हेंस द वैलिडिटी ऑफ लॉ, ठीक है, that has the prescribed the procedure cannot be questioned in the ground that the law is the unreasonable, unfair, unjust, ठीक है। secondly the supreme court held that the personal liberty means only liberty relating to a person, personal liberty मतलब supreme court ने बताया कि केवल जो है relating to the person or the body, ठीक है, व्यक्ति विशेष को या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को ही केवल इसमें पर्सनल लिबर्टी मिलेगी। बट इन द मेनका गांधी मेनका केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट, अपने रूल ओवर रूल्ड किया गया अपने जजमेंट में, किस केस में, गोपालन केस के जजमेंट को ओवर रूल करके उन्होंने वाइडर इंटरप्रिटेशन किया ऑफ आर्टिकल 21 का, ठीक है। देयरफॉर इट रूल्ड दैट राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाई द ये लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीडर प्रिस्क्राइब्ड बाई लॉ इज रीजनेबल, अगर वो रीजनेबल है तो,
फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड इट हैज इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन इफेक्ट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स वो केवल और केवल एग्जीक्यूटिव पर नहीं जबकि पार्लियामेंट पर भी बाउंडेशन लगाता है लेजिस्लेटर, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति के राइट को डिप्राइव ना करें, राइट टू लाइफ को डिप्राइव ना करें, ठीक है। तो जो है इट इंट्रोड्यूस, उसने इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन इफेक्ट द प्रोटेक्शन अंडर द आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली द अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस बट आल्सो अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ एज द एम्बॉयडल इन आर्टिकल 21 इज नॉट मेयरली कन्फाइंड द एनिमल एग्जिस्टेंस, मतलब जीवन जीने का मतलब जानवर की तरह जीवन जीना नहीं है, और द सर्वाइवल मतलब वो सर्वाइवल करना नहीं है, बट इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है विथ इट्स एम्बिट द राइट टू लाइव, राइट टू लिव विथ द ह्यूमन डिग्निटी। इंसान को जीना है तो वो डिग्निटी के साथ जीना होगा, राइट टू लाइव विथ डिग्निटी, ह्यूमन जो है डिग्निटी के साथ जिए, ये राज्य का दायित्व हो, ठीक है। अब क्या क्या बताया गया सरकार को कि राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी हो एंड ऑल दोज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो उनके साथ विच गो टू मेक द मैंस लाइफ मीनिंगफुल हो, कंप्लीट हो एंड द वर्थ लिविंग हो। इट रूल्ड दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ए वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, इट कवर्स ये वराइटी ऑफ राइट दैट गो टू द कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टीज ऑफ ए मैन। ओके आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज, सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या बोला इस पे, तो सुप्रीम कोर्ट हैज द रिफॉर्म्ड इट्स द जजमेंट इन द मेनका गांधी केस में, मेनका केस में इन द सब्सिक्वेंट केसेस इट डिक्लेयर द फॉलोइंग राइट्स ऑफ द आर्टिकल 21। अब जो है इंसान केवल जानवर के साथ जो है नहीं जिएगा, ठीक है, और मतलब जीना मतलब जानवरों के साथ जीना की तरह जीना नहीं, जबकि सरवाइव करना नहीं है, बल्कि उसे बहुत सारी मूलभूत चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में क्या क्या बताया कि केस के साथ जीना चाहिए, तो राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना चाहिए व्यक्ति, ठीक है। ये राज्य का दायित्व हो कि उसे प्रोटेक्ट कराए, प्रोटेक्शन दे। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड द एयर होना चाहिए, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज होना चाहिए। राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए, यही आर्टिकल 21 में आता है आर्टिकल, राइट टू प्राइवेसी ध्यान में रखना, ठीक है। राइट टू शेल्टर, ठीक है, ये भी आता है 21 में। राइट टू हेल्थ, तो ये सब अब एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो और देखते हैं 21 में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन से इसमें डाला। तो राइट टू हेल्थ, ठीक है, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट द हैंड कफिंग यानी कि आप आरोपी का हाथ नहीं बांध सकते, ठीक है, लॉक नहीं कर सकते, राइट अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट द डिलेड एग्जीक्यूशंस मतलब देर में फांसी को भी रोका गया, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ठीक है, बाहर जाएगा, अमेरिका जाना है घूमने तो आर्टिकल 21 के तहत उसे फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखना, अगर भारत में घूमना है तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत वो भारत में घूमेगा, ठीक है, ये सब ध्यान। अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट द बाउंडेड लेबर, ठीक है, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, राइट अगेंस्ट द कस्टोडियल हरासमेंट। ओके आगे देखते हैं, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, फिर देखते हैं राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट नॉट टू बी ड्राइवन आउट ऑफ ए स्टेट, ओके, राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए, राइट टू प्रिजनर टू हैव द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, राइट टू वेमेन टू हैव द ट्रीटेज विद द डिसेंसी एंड द डिग्निटी, राइट अगेंस्ट द पब्लिक हैंगिंग होना चाहिए, राइट
टू रोड इन द हिली एरियाज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, राइट अपील फ्रॉम ए जजमेंट ऑफ कन्विक्शन। ओके आगे क्या है, राइट अगेंस्ट द, सॉरी, राइट टू सोशल एंड द इकोनॉमिक जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट द बार फेटर्स, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, राइट टू स्लीप होना चाहिए, राइट होना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू फ्रीडम फ्रॉम द नॉइज पोल्यूशंस होना चाहिए, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट टू अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो इस सब को सुप्रीम कोर्ट ने बारी बारी से इंटरप्रिटेशन के द्वारा ऐड किया है आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किस हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से एक। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट मिलते हैं अगले आर्टिकल में। ओके, अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं। थैंक यू।